लेकिन आज का जो मॉफिन्स है और उसके साथ साथ ये जो चाय है, इतना सारा बेनिफिट है कि आप पूछो मत। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे बहुत सारा बेनिफिट इसमें छुपा हुआ है। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ये हमारा बाइंडिंग एजेंट में काम देगा। मिलेट बाइंडिंग नहीं होता है, छोटे छोटे टुकड़े पे काट लेता हूँ, ग्रास लेकर आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सेफ साजन है, आप देखना शुरू कर रहे हैं नेशनपुर। आज मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ आप तो थंबनेल में देख लिए होंगे, फिर भी एक बार बोल दे रहा हूँ, पम्पकिन बाजरा मिलेट का मॉफिन और उसके साथ साथ एक हेल्दी टी, क्योंकि स्नैक्स के टाइम को और भी बेहतरीन बनाएंगे। और भी एक चीज़ है, जिसके पास ओवन है वो भी बना सकते हैं, और जिसके पास ओवन नहीं है चूल्हे पे कैसे बनाते हैं वो भी दिखाने का कोशिश किए हैं। आपको तो पता है ना बाजरा मिलेट हमारे लिए कितना फायदेमंद है, या हाई प्रोटीन है, हाई फाइबर है, ग्लूटेन फ्री है, इसका जो तासीर है गर्मी वाला। तो इसी की वजह से बाजरा को खास करके हम विंटर में लेते हैं, यानी कि सर्दी में लेते हैं। आप लोग बोल रहे थे ना हम लोग को प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, ये नीचे ना व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आता होगा, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। लगभग मैं जितना सारा यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करता हूँ, इवन कि आप बोले थे स्टील का कढ़ाई, मिलेट कहाँ से मिलेगा, और उसके साथ साथ जितने सारा किचन का सामान है कहाँ मिलेगा, तो मैं यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट्स आपसे लगा दिया हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मेरा मकसद है हर घर का किचन हेल्दी बने। मैं देरी ना करके शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे व्यूअर्स हैं ना, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, और हौसला जब बढ़ता है ऐसे ही हेल्दी टेस्टी और ग्लूटेन फ्री रेसिपी लेकर आते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं ना, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि यहाँ पे जितने सारे ग्लूटेन फ्री रेसिपी, मिलेट रेसिपी और हेल्दी रेसिपी हम लोग बनाते हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो देर किस बात की है, जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं जा रहा हूँ बनाने, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं पहले यहाँ क्या करूंगा, पम्पकिन को अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे टुकड़े पे काट लेता हूँ, और फिर इसको क्या करेंगे बॉईल कर लेते हैं। अभी ये देखिए हमारा बॉईल हो गया है, तो इसको स्टेन करके ठंडा करके रखते हैं, और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा हम इसका प्यूरी बनाएंगे। अभी ये ठंडा हो गया है तो एक मिक्सचर जार लेते हैं और इसको अच्छे से प्यूरी बनाते हैं, थोड़ा से वो पम्पकिन का स्टॉक डाल के। यहाँ पे देखिए पम्पकिन का प्यूरी हमारा रेडी हो गया है। अभी क्या करना है, प्रोसेस स्टार्ट करना है पम्पकिन मिलेट मॉफिन्स का। ये देखिए पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, पम्पकिन का प्यूरी लूँगा और थोड़ा से स्टॉक लूँगा जो पम्पकिन का था जिसमें बॉईल किए थे, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे घी लेंगे, या आप चाहो तो वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं जो वेगन वाले हैं, और थोड़ा से सॉल्ट और थोड़ा से जागरी, और इसको क्या करेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें अगर हम लोग घी हटा देंगे ना तो ये वेगन हो जाएगा अब वेजिटेबल ऑयल यूज करने से, ठीक है। यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी क्या करना है, हमारे पास है बाजरा यानी के पियर्स मिलेट का आटा, इसको इसमें ऐड करेंगे, और थोड़ा से कोको पाउडर, ये ऑप्शनल है आप डाल सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, थोड़ा से सिनेमन पाउडर, और थोड़ा से पम्पकिन स्पाइसी, पम्पकिन स्पाइसी नहीं है तो आप सिर्फ ओरेगानो भी डाल सकते हैं, और फिर यहाँ से बेकिंग पाउडर थोड़ा से, और थोड़ा से बेकिंग सोडा। अभी क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप घर पे बनाइए और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएगा। अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इज्जत गुल है, और इसको इसमें डाल देंगे, ये हमारा बाइंडिंग एजेंट में काम देगा, क्योंकि मिलेट बाइंडिंग नहीं होता है ना, तो इसके वजह से मैं यहाँ पे इज्जत गुल डाल दिया, और इसको क्या करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये अच्छे से मिक्स हो गया है, फिर क्या करेंगे, जिसे हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, पहले से मैं मॉफिन का ट्रे रेडी करके रखा हूँ, और क्या करेंगे इसमें पोर कर लेंगे। तो चलिए अच्छे से पोर करते हैं, लेकिन फुल मत करना, फुल करने से क्या होगा, जब वो बेक होगा ना फिर ऊपर से थोड़ा से वो और भी उठ जाएगा, तो आपका जो मॉफिन्स है नीचे गिर सकते हैं। तो इसके वजह से मैं ये जो कप में पूरा फुल नहीं किया हूँ, थोड़ा से
छोड़ के रखा हूँ, तो इसके ऊपर से थोड़ा से पम्पकिन सीड ऐड करते हैं, या अगर आपके पास और भी कोई सा सीड है तो आप भी डाल सकते हैं, और थोड़ा से सिसमी सीड यहाँ पे ऐड कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, ये हमारा रेडी हो गया ना, तो ओवन में बेक करेंगे। यहाँ पे मैं ओवन में बेक किया हूँ, कितना 180 डिग्री में 20 से 22 मिनट यहाँ पे बेक करेंगे। चूल्हा पे बनाएंगे ना, सेम ऐसे प्रोसेस फॉलो कीजिए। अगर नमक नहीं है तो रेत भी ले सकते हैं आप, और इसको प्री हीट कर लेते हैं कढ़ाई को। अभी ये हमारा प्री हीट हो गया है, तो क्या करेंगे, ये छोटा सा ट्रे जो है इसमें डाल के इसको 25 से 30 मिनट तक बेक करेंगे स्लो फ्लेम में। ज़्यादा हाई फ्लेम मत करना, नहीं तो नीचे से लगने का डर रहेगा। अभी यहाँ पे मेरा 22 मिनट्स हो गया है, इसको ठंडा होने दीजिए, ठीक है। और हमारा मफिन्स तो रेडी है, और यहाँ पे 28 मिनट हो गया है। मैं और एक बार बोल रहा हूँ, 28 मिनट हो गया है। देखिए ये पूरा अच्छे से बन गया है। फायर को ऑफ कीजिए और फिर इसको भी निकाल दीजिए ठंडा होने तक। देखिए हमारा मफिन्स बन के तैयार है। कितना आसान है, कितना शानदार है। आप बोले थे चूल्हे में बनाने के लिए, वो भी दिखाया, और ओवन में तो बनाते हैं। जो लोग बोलते हैं ना मिलेट से क्या क्या बनेगा, उनको ये रेसिपी जरूर शेयर करना। देखिए कितना शानदार है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको दे सकते। और अभी बनाएंगे लेमन ग्रास का चाय। तो इसके लिए मैं हमारे किचन गार्डन को गया और वहाँ से थोड़ा से फ्रेश लेमन ग्रास ले कर आया हूँ। और ये जो फ्रेश लेमन ग्रास है ना, आपके लिए चाय बनाना है। ये हमको मिल गया लेमन ग्रास, और इससे हम लोग क्या बनाएंगे, एक खूबसूरत सा चाय बनाएंगे। तो चलिए और क्या करेंगे, हमारा जो लेमन ग्रास लाए थे उसको मैं अच्छे से वॉश कर लिया हूँ, और इसमें थोड़े से पत्तियाँ कट करके डाल देंगे और कवर कर लेंगे, और कवर करके 5 से 7 मिनट अच्छे से बॉईल कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से बॉईल हो गया है, तो अभी क्या करेंगे, चाय के लिए ये रेडी है, तो इसको स्टेन कर लेंगे। मेरे ऊपर विश्वास रखिए, ये चाय बहुत ही बेहतरीन है। पहले तो लेमन ग्रास वेट लॉस में बहुत ही अच्छा मदद करता है, और उसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर रेगुलेट अच्छा करता है, और उसके साथ साथ ये हमारा डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखता है, अच्छा नींद दिलाता है। और तो और अभी सर्दी का मौसम आ गया है, तो कोल्ड कफ एलर्जी लगा रहता है, इसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ साथ स्किन के लिए ये बहुत ही बेहतरीन एक टी होता है। तो हमारा चाय भी बन गया और मफिन्स भी बन गया, बन के तैयार हो गया हमारा पम्पकिन मिलेट मफिन्स। ऐसे ही हेल्दी टेस्टी और ग्लूटेन फ्री रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और भी बाजरा मिलेट का रेसिपी देखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट लगा दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तब तक के लिए बनाइए, खाइए और हेल्दी रहिए। जय हिंद, जय भारत।